हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता हो ही गया होगा कि सीजीपीएससी 2024 का नोटिफिकेशन जो है कल जारी कर दिया गया है। अब आपके पास मुश्किल से 2 मंथ का समय जो है रह गया है। ठीक है, समय आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं है, पढ़ना बहुत कुछ है, रिविज़न बहुत ज़्यादा करना है। तो मैं ऐसे टॉपिक्स आपके सामने लेकर आऊँगा जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में हमने देखा है कि वहाँ से जो प्रश्न पूछे ही जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 से 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस आप सभी के लिए तैयार करके लाया हूं, जो कि कहीं ना कहीं सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर चैनल में आप पहली बार आए होंगे तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर करिएगा, और सीजीपीएससी प्रीलिम्स के को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे और भी वीडियोस हमारे चैनल में अवेलेबल है, उसके लिए सेपरेट प्लेलिस्ट जो है बने हुए हैं, आप उनको भी विजिट कर सकते हैं और अपने हिसाब से जो आपको इंटरेस्टेड चैप्टर लगता है, जो आपको जिसमें कमी लगता है, उसको आप वहां से देख के अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। ये हमारा सीजी इकोनॉमिक सर्वे 2023-2024 का पार्ट 1 होगा, जिसमें हम 25 एमसीक्यू प्रश्नों का यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। इसके बाद पार्ट 2 जब लाऊंगा तो उसमें 25 प्रश्न का करा दूंगा। ये 50 प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट होंगे, इतना भी अगर करके चले जाते हैं तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस छूटेगा नहीं, मुझे ऐसा लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर आप कहेंगे तो वीडियो का PDF भी हमारे जो टेलीग्राम चैनल है CGPSC ABCD का, वहां पे मैं डाल दूंगा, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे ध्यान से पढ़िए कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2023-24 के लिए स्थिर दर पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि कितना अनुमानित है। राज्य का सकल घरेलू उत्पाद को आपको कई बार से GSDP भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों सेम है। राज्य का सकल घरेलू उत्पाद मतलब GSDP, ठीक है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, अब आपको प्रश्न में आना है, बताइए कि सकल घरेलू उत्पाद में कितना वृद्धि जो है अनुमानित है। 7.31%, 6.56%, 7.3% या फिर 8.27%, बताना है आपको। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 6.56% जो है GSDP में वृद्धि अनुमानित है 2023-24 के लिए। ठीक है, आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। अच्छा, 7.3 जो है ना, ये इंडिया के लिए, ठीक है, इंडिया के लिए 2023-24 के लिए जो कितना GDP है, 7.3, आप सभी को याद रखना है। ठीक है, कितना, 7.3। 2022-23 में अगर इंडिया के लिए अगर चले जाओगे, ये भी पूछ सकता है ना, 2022-23 में अगर चले जाएंगे तो इंडिया का था 7.1%। ठीक है, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ वाले को विशेष करके याद रखिएगा, 6.56% जो है GSDP है 2023-24 के लिए अनुमानित छत्तीसगढ़ के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि स्थिर भाव पर छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक वृद्धि किस वर्ष देखा गया था। यह भी एक अच्छा प्रश्न है, जितना भी मैं प्रश्न यहाँ पे तैयार किया हूं ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, बताइए कि स्थिर भाव पर अगर पूछा जाए तो GSDP जो है छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वृद्धि जो है किस वर्ष देखा गया है, 2020-21 में, 2021-22 में, 2022-23 में, या फिर 2023-24 में, बताइए क्या इसका सही आंसर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 2021-22 में सर्वाधिक वृद्धि दर जो है स्थिर भाव पर अभी तक देखने को मिला है, जिसमें 11.71% जो है GSDP में वृद्धि था छत्तीसगढ़ का 2021-22 के लिए। याद रखिएगा, 2023-24 का सर्वेक्षण करा रहा हूं, बट क्वेश्चन यहां से भी बनते, इसलिए मुझे लगा कि यहां पे इंक्लूड कर देना चाहिए आप सभी के लिए, राइट। चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 है कि स्थिर भाव पर छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में ऋणात्मक वृद्धि दर किस वर्ष था। यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऋणात्मक वृद्धि दर कब देखने को मिला था, बताइए। ऑप्शन A, B, C, D में से कौन सा इसका सही आंसर होगा, आप सभी को बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A, 2020-21 में छत्तीसगढ़ का जो GSDP था उसमें नेगेटिव जो है इंक्रीमेंट, नेगेटिव वृद्धि जो है, ऋणात्मक वृद्धि देखने को मिला था। कितना था आप वो भी याद रखिएगा, -0.1% का ऋणात्मक वृद्धि देखने को मिला था 2020-21 के अंदर। तो हमारा ऑप्शन नंबर A जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है, और ये न्यूनतम भी था, याद रखिएगा, सबसे ऋणात्मक तो था ही और अब तक का सबसे न्यूनतम GSDP जो था वो भी 2020-21 के लिए ही था छत्तीसगढ़ के लिए। ठीक है, चलिए
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चार की ओर कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार स्थिर भाव पर कृषि क्षेत्र में वृद्धि कितना अनुमानित है। 2023-24 में अब आ जाते हैं, ठीक है, कि जो एग्रीकल्चर फील्ड है, कृषि क्षेत्र है, इसमें कितना प्रतिशत का वृद्धि अनुमानित है बताना है। 3.23%, 7.1%, 5.02% या फिर 6.56% बताइए। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 3.23% जो है छत्तीसगढ़ के लिए कृषि क्षेत्र में वृद्धि अनुमानित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 7.1% जो है ये औद्योगिक क्षेत्र के लिए है। ठीक है, ये जो है उद्योग क्षेत्र के लिए कितना अनुमानित है 2023-24 के लिए ही, 7.1%। 5.02% जो है ये 2023-24 के लिए ही सेवा क्षेत्र के लिए कितना प्रतिशत का वृद्धि अनुमानित है, 5.02%। तो ये तीनों डाटा आप सभी को यहां से याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। पांचवा प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार प्रचलित कीमत पर छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय कितना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये एक अच्छा खासा वेटेज रखता है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रचलित कीमत पर छत्तीसगढ़ का पर कैपिटा इनकम, भी इसको कहते हैं प्रति व्यक्ति आय या फिर कह लीजिए पर कैपिटा इनकम, कितना है बताइए। वीडियो को पॉज करिए और चारों ऑप्शंस को बहुत ध्यान से पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करिए कि प्रचलित मूल्य पर कितना है, कहीं कंफ्यूजन मत होना, ठीक है ना, क्योंकि कई बार से प्रचलित कीमत पर आपसे पूछ सकता है या कई बार से आपसे स्थिर मूल्य पर भी पूछ सकता है, स्थिर कीमत पर भी पूछ सकता है, तो आपको दोनों डाटा को याद रखना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 147,361 रुपए जो है छत्तीसगढ़ का पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमत पर। लेकिन अगर आपसे स्थिर कीमत पर पूछ दे तो याद रखिएगा ये है 105,973। ऑप्शन नंबर ए जो देख रहे हैं ना, 105,973 ये प्रति व्यक्ति आय है ही, लेकिन ये स्थिर कीमत पर है, ठीक है, याद रखिएगा स्थिर कीमत पर। स्थिर कीमत बोलता हूं तो ये आपको 2011 से 11-12 के आधार पर इसको कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 6 में, बताइए कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार छत्तीसगढ़ में प्रचलित कीमत पर प्रति व्यक्ति आय में प्रतिशत वृद्धि कितना है। पिछले वर्ष की तुलना में प्रचलित कीमत पर कितने का वृद्धि हुआ, हमने इससे पहले जो पांचवा प्रश्न में देखा कि कितना रुपए का प्रति व्यक्ति आय है प्रचलित मूल्य पर, इस बार पिछले वर्ष की तुलना में प्रचलित कीमत पर ही प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ आपसे ये पूछा गया है। 7.25%, 5.62%, 5.36% या फिर 7.31%। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार प्रचलित कीमत पर जो प्रति व्यक्ति आय है छत्तीसगढ़ का, प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में 7.31% की वृद्धि हुआ है। वहीं अगर स्थिर भाव पर पूछ दूं तो 5.36, ये जो आपको वृद्धि दिख रहा है ये स्थिर भाव पर, ठीक है, स्थिर कीमत पर, स्थिर भाव पर प्रति व्यक्ति आय में 5.36% का वृद्धि देखने को मिला है। तो ये दोनों डाटा को आपको याद रखना है जो मैं एक साथ बताते आ रहा हूं, राइट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। 7वां प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी मतलब वही सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। यह भी एक अच्छा प्रश्न है बताइए, ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जीएसडीपी जब भी कैलकुलेट करते हैं तो उसमें सेवा क्षेत्र का भी योगदान होता है, कृषि क्षेत्र का और औद्योगिक क्षेत्र का भी होता है। तो सबसे अधिक योगदान किसका है 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार आप सभी को बताना है क्या इसका आंसर होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिक क्षेत्र का, उद्योग क्षेत्र या फिर औद्योगिक क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 8वां प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में न्यूनतम योगदान किस क्षेत्र का है। यहाँ पे मैंने अधिकतम पूछ दिया था, यहाँ पे आपसे न्यूनतम पूछा हूं, तो डायरेक्ट आपको याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र जो है ये इसका योगदान जो धीरे धीरे कम होते जा रहा है, लोग उद्योग की ओर ज्यादा बढ़ते जा रहा है, सेवा क्षेत्र की ओर गवर्नमेंट जॉब चाहिए उन सब में अधिक बढ़ते जा रहा है, लेकिन जो एग्रीकल्चर करने वाले जो लोगों की संख्या दिनों दिन कम होते जा रही है, ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि कृषि क्षेत्र का योगदान आजकल न्यूनतम होते चला जा रहा है, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां। 9वां प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है। इससे पीछे हमने देखा कि किसका सर्वाधिक है, किसका न्यूनतम है, इस क्वेश्चन में पूछा हूं कि जो सेवा क्षेत्र है, जो सर्विस सेक्टर है,
उसमें उसका कितना योगदान है जीएसडीपी में 2023-24 के अनुसार। ये एक अच्छा प्रश्न है, यहाँ से आपको डाटा जो है लिख के रखना है बहुत अच्छे से। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 31.19% जो है ये सर्विस सेक्टर या फिर कह लीजिए कि सेवा क्षेत्र का योगदान है, ठीक है, 2023-24 के जीएसडीपी में छत्तीसगढ़ का 3.19% किसका योगदान है, सेवा क्षेत्र का। वहीं अगर आपसे 2021-22 में पूछ लेना, 2021-22 में कितना था ये अगर आपसे पूछ ले तो याद रखिएगा ये है 31.18%, ये वाला ऑप्शन नंबर डी। बी और सी भी है जो कि मैं आगे में बताने वाला हूं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से पढ़िएगा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में औद्योगिक क्षेत्र का, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का कितना योगदान है आप सभी को बताना है। आराम से ऑप्शंस को पढ़िएगा, कई बार से ये नंबर को आगे पीछे कर देता है और जिसकी वजह से कंफ्यूजन में हम गलत मार देते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा औद्योगिक क्षेत्र का कितना योगदान है, तो 53.50, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, 53.50 जो प्रतिशत का योगदान है औद्योगिक क्षेत्र का जीएसडीपी के अंदर, ठीक है। 52.86 जो है ये वाला जो है ये 2022-23 में योगदान था, सेवा क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी औद्योगिक क्षेत्र का ही बात कर रहा हूँ, 52.86 2022-23 के अंदर था। अच्छा ये 15.13 जो देख रहे हैं ना ये किसका योगदान है, तो ये कृषि क्षेत्र का 2023-24 में, ठीक है, जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है जो कृषि क्षेत्र है उसी का 2023-24 में योगदान इसी वर्ष का जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसके अनुसार 5.32% का जीएसडीपी में योगदान है, ठीक है, कृषि क्षेत्र का, ठीक है। तो इसका ए वाला को भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 नंबर का प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान का आरोही क्रम क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, याद रखना है आपको कि किस सेक्टर का सबसे कम है, फिर ज्यादा है, फिर ज्यादा है, ठीक है। अगर ये याद रखेंगे तो आपको, अगर तीनों का एग्जैक्ट वाला परसेंटेज आपको याद होगा तो इसको तो आप बहुत अच्छे से लगा ही पाएंगे। तो याद रखिएगा, पहले मैं बता दूं कि जो हमारा कृषि क्षेत्र है, कृषि, ये अभी जस्ट पीछे बताया कि कृषि क्षेत्र का कितना योगदान है, 15.32%। और मैंने ये भी बताया था कि कृषि जो है सबसे न्यूनतम है, तो आप यहां समझ लीजिए कि सबसे कम कृषि का है। इसके बाद सेवा क्षेत्र में अगर चला जाए तो सेवा क्षेत्र का योगदान जो है 31.19% का है, और उसके बाद उद्योग का, ठीक है, इंडस्ट्रियल वाला जो फील्ड है, सेक्टर है, औद्योगिक क्षेत्र का कितना है, 53.50%। अब इन तीनों को देखिए, उसी के अकॉर्डिंग आप अरेंज कर दीजिए, सबसे कम कृषि, फिर सेवा और फिर उद्योग, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 12वां नंबर प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार उद्योग के क्षेत्र में स्थिर मूल्य पर औसत वृद्धि दर कितना है। देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जो हमने परसेंट देखा ये योगदान था उनका, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर सेक्टर में जीएसडीपी में किसका योगदान था। यहाँ पे मैं औद्योगिक क्षेत्र की अगर बात कर रहा हूँ तो स्थिर मूल्य पर वृद्धि दर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, वृद्धि दर, ये दोनों अलग अलग, योगदान अलग चीज है और वृद्धि दर अलग है, आपको अच्छे से समझ के रखना है, ठीक है। तो आप बताइए कि औद्योगिक क्षेत्र में स्थिर मूल्य पर औसत वृद्धि दर कितना है, बताइए, 7.36%, 5.37%, 4.90% या फिर 11.57%। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो है ये औद्योगिक क्षेत्र में औसत वृद्धि है 7.36%, ठीक है, ये और वृद्धि, ठीक है, औसत वृद्धि की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, औसत वृद्धि की। ये 5.37 आपको ये भी याद रखना है कि ये सेवा क्षेत्र में औसत वृद्धि है, ठीक है। यहां पे चारों ऑप्शन जो है ये औसत वृद्धि से संबंधित है, तो सेवा क्षेत्र में औसत वृद्धि अगर 2023-24 के अनुसार बोल दे तो 5.37, औद्योगिक क्षेत्र में 7.36, और अगर कृषि क्षेत्र में पूछ दे, कृषि क्षेत्र में पूछे औसत वृद्धि दर, तो 4.90 है, और ये तो मैं ऐसे ही ऑप्शन डाल दिया था। तो ये तीनों जो है सेवा, उद्योग और कृषि के लिए औसत वृद्धि दर है 2023-24 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, ठीक है। तो इन सबको आप नोट करके रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर का प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है। ये भी एक अच्छा प्रश्न है, ठीक है। जीएसडीपी को एक दूसरे तरीके से भी बांटा जाता है कि इसमें किसका कितना इन्वॉल्वमेंट है, तो इसमें प्राथमिक क्षेत्र मतलब प्राइमरी वाला सेक्टर जो हो गया, सेकेंडरी, ठीक है, मतलब द्वितीयक क्षेत्र, और तृतीयक मतलब टर्शियरी, तीन पार्ट में भी इसको और अलग तरीके से बांटा जा सकता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। यहाँ पे आपसे पूछा गया कि प्राथमिक क्षेत्र में योगदान
कितना प्रतिशत का है, प्राथमिक क्षेत्र का जीएसडीपी में योगदान कितना प्रतिशत का है आपसे पूछा है। सही आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर या फिर प्राथमिक क्षेत्र का 25.83% है, आप सभी को याद रखना है। द्वितीयक का कितना है, 42.98, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये सेकेंडरी जो सेक्टर है, ठीक है, या द्वितीयक क्षेत्रक है उसका 42.98%, और ये जो है सर्वाधिक है, ठीक है, सर्वाधिक किसका है भाई, द्वितीयक क्षेत्र का योगदान सीजी के जीएसडीपी में सबसे अधिक है, सेकेंडरी का या फिर द्वितीयक क्षेत्र का आप सभी को याद रखना है। तृतीयक जो क्षेत्र है टर्शियरी वाला, इसको हम टर्शियरी भी कह सकते हैं या फिर तृतीयक क्षेत्र भी कहते हैं, इसका योगदान कितना है 31.19% का, ठीक है। तो आप इन सभी को भी बिल्कुल याद रखिएगा। 53.50 तो हम पहले भी देख चुके कि औद्योगिक क्षेत्र का जीएसडीपी में योगदान कितना है 53.50%, जो कि सर्वाधिक है, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य का शुद्ध वित्तीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है, इसको भी आप नोट करके रखिएगा और याद करके रखिएगा। क्वेश्चन ये पूछा है कि राज्य का जो शुद्ध वित्तीय घाटा है वो सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है, इसको आप डायरेक्ट याद रखिएगा 2.90%। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 नंबर का प्रश्न है कि सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत नेट परियोजना के तहत राज्य के कितने ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ा जा चुका है। ये भी एक याद रखिएगा, ये वन लाइनर की तरह आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत नेट परियोजना के तहत राज्य के जितने भी या फिर पूरे देश के जितने भी ग्राम पंचायत हैं उन सभी को धीरे धीरे ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से जोड़ के वहाँ पर नेटवर्क की सुविधाएँ प्रोवाइड कराई जा रही है। तो छत्तीसगढ़ के अंदर इस सर्वेक्षण के अनुसार बताइए कि इस परियोजना के तहत कितने ग्राम पंचायतों को अब तक जोड़ा जा चुका है, जब ये जारी किया हो गया होगा तब की मैं बात कर रहा हूँ। सही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 9,804 ग्राम पंचायतों, ठीक है, 9,804 ग्राम पंचायतों को अब तक जोड़ा जा चुका है, ठीक है, याद रखिएगा। 16 नंबर का प्रश्न है कि दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष कितनी सहायता राशि दी जाएगी, ये भी एक अच्छा प्रश्न है। तो ऐसे किसान जो कि भूमिहीन है, जिनके पास खुद का भूमि नहीं है खेती करने के लिए, उन लोगों के आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना चलाया गया है जिसको कहते हैं दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना। इसके तहत आपको याद रखना है कि प्रतिवर्ष प्रत्येक परिवार को 10,000 रुपए का सहायता राशि दी जाएगी, इसके लिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 नंबर का प्रश्न है कि खगोल विज्ञान की लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए किस जिले में एस्ट्रो पार्क की स्थापना की जाएगी, ये भी एक अच्छा प्रश्न है, ठीक है। अब आई थिंक आप सभी लोग इसको जानते भी होंगे, एक थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे तो भी इसका आंसर दे पाएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सूरजपुर में होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो हमारा कर्क रेखा है और जो आईएसटी लाइन है, ठीक है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहाँ, सूरजपुर में ही काटते हैं, इसीलिए सूरजपुर के अंदर ही एक एस्ट्रो पार्क का निर्माण किए जाने की एक प्रस्तावित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 18 नंबर का प्रश्न है कि 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक भागीदारी किस क्षेत्र का है। तो कई बार से आपको ऑप्शंस दे देगा, उन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको टिक करना है, पकड़ना है कि किसका सर्वाधिक भागीदारी है, इसको भी आप डायरेक्ट याद रखिएगा, ये एक अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में डायरेक्ट इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। बताइए किस राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में जीएसडीपी में किसका भागीदारी सबसे अधिक है, निर्माण का, विनिर्माण का, भंडारण का या फिर रेलवे का, बताना है आप सभी को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विनिर्माण क्षेत्र का सबसे अधिक भागीदारी है इन चारों ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। और ओवरऑल भी याद रखिएगा, अगर सबको जितने भी हमने सेक्टर देखा कि औद्योगिक क्षेत्र हो गया, कृषि क्षेत्र हो गया, सेवा क्षेत्र हो गया, उन सभी को भी उप क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, ठीक है। तो विनिर्माण जो है इसका सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक भागीदारी है, ये भी परसेंटेज भी याद रख ली गया, 21.19% की भागीदारी के साथ विनिर्माण जो है सबसे अव्वल है, सर्वाधिक भागीदारी इसी का है। 19वां प्रश्न देख लेते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है कि 2023-24 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में न्यूनतम भागीदारी किस क्षेत्र का है। हमने तो अधिकतम देख लिया था कि विनिर्माण का ये मैक्सिमम है, अधिकतम किसका है भाई, तो विनिर्माण का है, जिसका कितना था हमने देखा था 21.19%, लेकिन इस बार आपसे न्यूनतम मिनिमम पूछ दिया है, तो मिनिमम जो है भंडारण का है, ऑप्शन नंबर सी यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। मिनिमम किसका है भाई,
तो मिनिमम जो योगदान है वो भंडारण का है, कितना है तो ये भी याद रखिएगा, 0.09% का इसका योगदान है। 20वां प्रश्न है कि 23-24 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक वृद्धि किस क्षेत्र की रही। यहाँ पे भागीदारी की मैंने बात की, 18-19 नंबर के प्रश्नों में हमने भागीदारी की बात किया कि सर्वाधिक भागीदारी विनिर्माण का है, सबसे कम भागीदारी भंडारण का है। इस बार सर्वाधिक वृद्धि किस क्षेत्र में है उस चीज की मैं बात कर रहा हूँ, निर्माण, विनिर्माण, भंडारण या फिर रेलवे। सही आंसर हो जाएगा इस बार ऑप्शन नंबर ए, निर्माण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। इसके लिए 9.89% की वृद्धि दर जो है देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21वां प्रश्न है कि 2023-24 की आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में न्यूनतम भागीदारी किसकी, सॉरी न्यूनतम वृद्धि किसकी है। अधिकतम तो हमने देख लिया, मैक्सिमम वृद्धि किसमें है भाई, तो निर्माण में हमने देख लिया। अब न्यूनतम वृद्धि दर की बात किया, तो न्यूनतम वृद्धि दर जो है रेलवे में, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। रेलवे का न्यूनतम वृद्धि है जो कि माइनस में है, -2.17%, ठीक है। ये आंसर आपको याद रखना है। देखिए इकोनॉमिक सर्वे जो कुछ भी है ना, ये पूरा डाटा का खेल है, आप कितना अधिक डाटा को याद कर पा रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं, वो इंपॉर्टेंस रखता है। कि एग्जाम टाइम अभी कर रहे हो तो चलो ऑप्शंस में हमने देख रहे हैं तो समझ में आ रहा है, एग्जाम टाइम में इतना सारा डाटा आपको और इतना क्लोज डाटा रहता है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर ऑप्शंस कौन सा सही है। तो आप बहुत अच्छे से ध्यान देके रखिएगा, अभी से आप क्या करिएगा, एक दो बार पढ़ लीजिए, याद करने की कोशिश करिए, और जो आपका स्टडी टेबल वहां पे आप चिपका दीजिए। कुछ भी पढ़ने से पहले जब भी आप टेबल पे जाते हैं तो एक बार उसको लुकआउट कर लेंगे तो आपको धीरे धीरे याद हो जाता है, दिमाग में बैठ जाता है। 22 नंबर का प्रश्न है, 2023-24 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर कितना प्रतिशत है, बताइए। 3.23, 7.13, 5.02 या फिर 9.21%, बताइए कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृषि क्षेत्र में कितना प्रतिशत की वृद्धि की मैं बात कर रहा हूँ। पीछे योगदान हमने देखा था, याद रखिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर कितना, 3.23%, ये कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर है, याद रखना। 7.13 क्या है इसको भी मैं बता देता हूँ, ये उद्योग में, ठीक है, ये उद्योग में वृद्धि दर हो गया। और 5.02 जो है ये सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23वां में। 23वां प्रश्न है कि वर्ष 2023-24 में स्थिर भाव पर कृषि क्षेत्र के किस उप क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर अनुमानित है। जैसे कि मैंने बताया कि कृषि क्षेत्र तो एक मेन सेक्टर तो है ही, एग्रीकल्चर, उसके अंदर भी सब डिवीजन है, सब सेक्टर्स होते हैं। तो कृषि क्षेत्र के अंदर जैसे फसल हो गया, मत्स्य हो गया, वानिकी हो गया, पशुधन हो गया, इनका अलग अलग सेक्टर होता है। तो अब इनका पर्टिकुलरली कितना उनका सर्वाधिक वृद्धि किसमें माना गया है वो आपको बताना। जैसे हमने कृषि क्षेत्र का तो अभी देख ही लिया था, कितना था कृषि क्षेत्र में, 3.32% का वृद्धि दर अनुमानित था। यहाँ पे अब कृषि क्षेत्र के अंदर इन सब का सेपरेटली बताना है कि किसका सर्वाधिक अधिक है। तो यहाँ पे बता दूँ, सबसे अधिक जो है मत्स्य का है, ठीक है, फिशरीज का सबसे अधिक है, 7.39% इसका अनुमानित है वृद्धि दर, ठीक है। फसल में चले जाएंगे तो ये 2.15%, ठीक है। वानिकी में अगर देखेंगे तो वानिकी के अंदर हो जाएगा 1.80%, और पशुधन के लिए 6.38% जो है वृद्धि दर देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है कि वर्ष 2023-24 में स्थिर भाव पर उद्योग क्षेत्र के किस उप क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर अनुमानित है। अब मैं उद्योग के अंदर भी हमने देख लिया कि किसका, विद्युत और गैस, विनिर्माण, निर्माण या फिर खनन या उत्खनन। देखिए कृषि क्षेत्र जब भी बोलता है तो ये सब कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, औद्योगिक क्षेत्र अगर बोलता हूँ तो ये सभी के सभी किस में, औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब बताइए कि अब जैसे कि हमने उद्योग का तो देख ही लिया था, उद्योग में कितना वृद्धि दर था हमने पीछे देख लिया था, यहाँ पे अब आपको बताना है कि उद्योग का जो उप क्षेत्रीय चारों में से कौन है जिसका सर्वाधिक वृद्धि दर जो है 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अनुमानित है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, निर्माण के लिए। ये भी हालांकि पहले हमने देख लिया, 9.89% जो है निर्माण क्षेत्र में सर्वाधिक अनुमानित है औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत। विद्युत और गैस में अगर देखेंगे तो 8.11%, विनिर्माण में अगर जाएंगे तो 5.11% का, और खनन उत्खनन के लिए 7.35%, ठीक है। तो ये सभी डाटा को आपको याद रखना, एक चार्ट प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है, तो देख लेंगे। और मार्केट में भी तो आता ही है, आप कोई भी अगर मैगजीन लेंगे करंट अफेयर का तो वहाँ भी आपको आर्थिक सर्वेक्षण का अच्छा
अरेंज करके लिखा हुआ मिलता है, तो वहाँ से आसानी से याद हो जाता है। यहाँ पे तो मैं आपको एमसीक्यू का प्रैक्टिस करा रहा हूँ, अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो फिर से इसको एक बार देख के जरूर जाइएगा। एग्जाम में जाने से पहले भी एक बार इस वीडियो को देख के जा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 25वां देख लेते हैं। 25 नंबर का प्रश्न है कि उद्योग क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर निम्न में से किस वित्तीय वर्ष में रही थी। अब औद्योगिक क्षेत्र के अंदर ही मैं बात कर रहा हूं कि किस वर्ष में सबसे अधिक वृद्धि दर देखने को मिला था, 2023-24, 2021-22, 2019-20 या फिर 2018-19 में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2021-22 जो था इस फाइनेंशियल ईयर में सबसे अधिक उद्योग क्षेत्र में वृद्धि दर देखने को मिला था 16.32%, 16×32 ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। 2023-24 में देखेंगे तो कितना था, 7.13। पिछले वर्ष कितना था औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि दर, 7.13 था, आपको याद रखना है। अच्छा 2019-20 में एक चीज मैं डाटा बताता हूँ, सेवा क्षेत्र में, ठीक है, सेवा क्षेत्र में अगर पूछ दे कि सर्वाधिक वृद्धि कब हुआ था, सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर किस वर्ष था, तो आपको याद रखना है 2019-20 में कितना था, आप वो भी मैं बता देता हूं, 11.13%। 2018-19 किस लिए मैं यहां पे ऑप्शन डाला हूं, क्योंकि ये जो वर्ष है, ये फाइनेंशियल ईयर था, इसमें कृषि क्षेत्र का सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिला था। कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि 2018-19 में देखने को मिला था, कितना परसेंट का, तो 13.49% का, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार हमने ये जो इकोनॉमिक सर्वे वाला जो वीडियो है, जो 50 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ये उसका पार्ट वन है, जिसमें हमने टोटल 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा, और यहाँ से प्रश्न जो है डाटा के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाएगा तो यहीं से आपसे पूछा जाएगा, और बाकी वन लाइनर टाइप से होगा, तो मैं उसका नेक्स्ट 25 क्वेश्चन का वीडियो और बना के लाऊंगा। ये 50 क्वेश्चन अगर आप करके चले जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि और भी कोई ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां से इकोनॉमिक सर्वे में प्रश्न आपसे बनाया जा सकता है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से इसको देखिएगा, डाटा को याद करने की कोशिश करिएगा, बार बार, एक बार से काम नहीं चलेगा, बार बार उसको देखना पड़ेगा, नहीं तो इतने सारा डाटा हो जाता है कि कन्फ्यूज हो जाता है फाइनली इंसान जो है। इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, लिमिटेड पढ़िए लेकिन डाटा को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ताकि आप एलिमिनेट करके भी आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, इसमें इतना ही। चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा और शेयर भी कर सकते हैं। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, अगर आप बोलेंगे तो जितना भी 50 क्वेश्चन मैं तैयार करूंगा, इनका पीडीएफ जो है आप सभी को हमारे टेलीग्राम में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।